सबसे बड़ी बात है कि आज हमने इस फिल्म फेस्टिवल में, पहला एडिशन है हमारे कश्मीर में, हमारे पास अराउंड 10 कंट्रीज से मूवीज आई थी और सिर्फ एक महीने में हमने ये नोटिस निकाला और हमारे पास मूवीज आई और इसमें नेटिव कैटेगरी की मूवीज हैं, शॉर्ट फिल्म है जो डे टू में दिखाई जाएंगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो यहाँ का टैलेंट है, हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि यहाँ का जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा टैलेंट है यहाँ के यूथ में, बच्चों में, तो उनकी फिल्में शोकेस यहाँ दिखाई जाएंगी। अभी का बोल रहा हूँ क्योंकि बड़े फेस्टिवल्स में मैं गया हूँ, बर्लिन गया, दुबई गया हूँ, मेरी फिल्में वहाँ गई हैं। तो फेस्टिवल का एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है ना कि एक तो है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसके लिए आपको ऑडियंस मिलती है, एक क्रिटिक आपको मिलता है, वो आपको फीडबैक देते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आप नेटवर्किंग कर सकते हो। बर्थडे फेस्टिवल्स में क्या होता है कि आप आप खुद ही प्रोड्यूस कर ली, फिल्म बना ली, अब नेक्स्ट फिल्म के लिए तो पैसे नहीं दोगे ना, लेकिन फेस्टिवल में जाके आपको प्रोड्यूसर्स मिलते हैं, नेटवर्किंग होती है। तो आई थिंक फेस्टिवल होना और कश्मीर में होना, दैट्स अ रियली गुड थिंग।